हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की डिटेल को कवर करने वाले हैं। ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है 8 यूनिवर्सिटी से, तो आठों यूनिवर्सिटी में हिंदी सब्जेक्ट है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट से अपडेट देती हूँ। इसी तरह की अपडेट अगर आप चाहते हैं तो चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम इन यूनिवर्सिटी से निकले असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की डिटेल को कवर करेंगे। तो कोलैब करके मैंने ये सारे आपको आज के इस वीडियो में बताना है। इससे पहले भी मैंने इनके ऊपर वीडियो बना रखी है, तो जो कैंडिडेट नहीं देख पाए हैं तो उनके लिए है ये। जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई है बम्पर रिक्रूटमेंट, जिसमें काफी सारे हर डिपार्टमेंट में सीट निकली हुई है। न्यूज एंड इवेंट सेक्शन में जब आएंगे तो नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 22/6/2023 का ये एडवर्टीजमेंट है, व्यू ऑल पे क्लिक करके। तो इन शॉर्ट में मैं आपको ये सारी अपडेट देने वाली हूँ। तो यहाँ से आप 22 डेट, यहाँ पे कहाँ है 22 डेट, मैं ऊपर स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। तो ऊपर नहीं नीचे आएगा, ये एडवर्टीजमेंट है ये वाली, इसको डाउनलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर पाएंगे। 8 पेज का ये नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो क्लास बना दी है, देखना चाहे तो देख सकते हैं। मैं इन शॉर्ट में आपको बताने वाली हूँ। तो हिंदी में देखिए कितनी है, 214 सीट है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड की गई है। और इन चारों आठों यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री आपकी 55% मार्क्स होनी चाहिए, प्लस अगर आपने नेट कर रखा है तो इन आठों यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो पहली यूनिवर्सिटी तो ये हो गई, डिटेल देखने चाहते हैं तो अलग से वीडियो इसके ऊपर बना रखी है मैंने। तो दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसीलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ओपन हो जा। तो अगली जो यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार से निकला है ये, एक स्टेट यूनिवर्सिटी से। यहाँ एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पे क्लिक करेंगे तो इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैंने इसके ऊपर भी बना रखा था, लेकिन कल ही इसके ऊपर मैंने बनाया था वीडियो, 3 यूनिवर्सिटी से जो निकले थे एडवर्टीजमेंट, लेकिन वहां पे वॉइस एरर आ गया था तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है इसके ऊपर वीडियो। तो एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो इसके एडवर्टीजमेंट को आप डाउनलोड कर पाएंगे। वैसे मैंने एडवर्टीजमेंट ये दो दो बार डाउनलोड कर लिया, तो मैंने यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको रीड आउट कर लीजिएगा। आठों के आठों यूनिवर्सिटी का वेबसाइट लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो लास्ट डेट अप्लाई करने की है 3/7/2023 है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे, बड़ा कर देती हूँ थोड़ा। हाँ, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जब आप आएंगे तो इसके नोटिफिकेशन को आप देख पाएंगे। तो हिंदी में टोटल 1 सीट है, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर की है। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इन तीनों की ही अपडेट देती हूँ मैं। तो फिलहाल इस यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर की निकली है। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा जाता है, प्लस PhD मांगी जाती है, और प्रोफेसर के लिए 10 साल का, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी 55% मार्क्स, साथ साथ ही नेट, अगर आपने नेट नहीं कर रखा है 2009 जुलाई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग PhD कर रखी है तो नेट से एग्जेम्प्ट रहेंगे। तो ये तो रह गई दूसरी यूनिवर्सिटी। तीसरी मैं आपको दिखा देती हूँ, तीसरी जो है यहीं से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे है, देखिए वर्किंग इंटरव्यू है। तो वर्किंग इंटरव्यू जुलाई में रहने वाला है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का, भुवनेश्वर से निकला है ये एडवर्टीजमेंट। तो इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने कर लिया है। तो वर्किंग इंटरव्यू है, यहाँ पे देखिए वर्किंग इंटरव्यू कौन कौन सी डेट को रहने वाला है, किस किस डिपार्टमेंट का यहाँ पे मेंशन किया है। तो नेम ऑफ पोस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे वैकेंसी है, डेट टाइम दिया है, पे स्केल एज दी गई है, एज लिमिट। तो यहाँ पे हिंदी का जो सीट है, टोटल 1 सीट है। वॉकिंग इंटरव्यू कब है, 7/7/2023 4:30 बजे, 45,000 आपकी पे स्केल रहने वाली है, और
यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वही 55% मार्क्स प्लस नेट होना चाहिए, या फिर आपने पीएचडी कर रखी है 11 जुलाई 2009 के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो आप नेट से एग्जेम्प्ट रहेंगे अगर आपने एमफिल पीएचडी कर रखी है। तो ये सारी क्राइटेरिया है। तो ये तो रह गई तीसरी यूनिवर्सिटी, अगली दिखा देती हूँ यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो इन शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, बाकी ये डिटेल नोटिफिकेशन आप खुद भी पढ़ सकते हैं, नॉर्मल सी इंस्ट्रक्शन दी होती है, कोई भी पढ़ सकता है, मेरा काम है आपको अपडेट करना। तो अगली जो यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ से ये निकल के आई है, ये भी वॉकिंग इंटरव्यू है। यहाँ पे क्लिक करके इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, 2 पेज का नोटिफिकेशन है। 3, 4, 5 जुलाई को ये एडवर्टीजमेंट में जो टाइम डिपार्टमेंट दिया है, और साथ ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कितनी सीट है इन डिपार्टमेंट में वो मेंशन की है। तो देखिए हिंदी का जो वॉकिंग इंटरव्यू है वो 4/7/2023 को है, टोटल 1 सीट है। एलिजिबिलिटी वही आपकी 55% मार्क्स चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, एमफिल पीएचडी नेट ये सारा प्रेफरेंस दिया जाएगा जो जिन भी कैंडिडेट ने कर रखा है। अगली यूनिवर्सिटी मैं आपको बता देती हूँ, जो अगली यूनिवर्सिटी है वो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से निकल के आई है। इसकी वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 6/6/2023 से, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है। तो मेरा काम है आपको अपडेट करना, स्पेशली अपने चैनल के माध्यम से हिंदी सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के साथ ही पीएचडी अपडेट देती हूँ। अपडेट चाहते हैं इसी तरह की तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। देखिए हिंदी 9वें नंबर पे है, प्रोफेसर की 1 सीट है, वो भी किसकी, ओबीसी क्राइटेरिया, ओबीसी कास्ट के लिए है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप अपना डिपार्टमेंट यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है 7/7/2023 है, और फॉर्म की एप्लीकेशन फॉर्म की फीस दी गई है 500 है 400, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगली जो निकल के आई है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से निकल के आई है। यहाँ पे इसके टीचिंग स्टाफ पे जब आप आएंगे एडवर्टीजमेंट देख पाएंगे, और यहीं से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं, यहाँ क्लिक करके इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का ये नोटिस है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी और शॉर्ट में करवा रही हूँ, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में बना रखा है, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट खोल के असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट अपडेट करके, मैंने पहले से ही करवा रखा है डिटेल में। तो मैं इन सभी को कंबाइन करके मैं आपको अपडेट दे रही हूँ, जो रह गए हैं वंचित रह गए हैं, जो नहीं देख पाए हैं वो कंबाइन में आप देख सकेंगे। और इनकी अभी डेट भी है, तो आप जो चाहते हैं कैंडिडेट वो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, तो नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, पहले यहाँ पे सब्जेक्ट देख लीजिए क्या हो रहा है। मैं आपको सब्जेक्ट दिखा देती हूँ, डिपार्टमेंट है और साथ ही कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट मेंशन कर रखी है। नीचे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप अपना डिपार्टमेंट देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, जिसमें देखिए प्रोफेसर की 1 सीट है, अनरिजर्व में, असिस्टेंट प्रोफेसर की एसटी में 1 सीट है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 सीट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और नीचे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप अपना डिपार्टमेंट देख लीजिए, हिंदी प्रोफेसर की 2 अनरिजर्व में, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 अनरिजर्व में, और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 अनरिजर्व में। तो इन सब की अपडेट मैंने पहले से ही दे रखी है, चाहे तो देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे मांगी है, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर डिटेल नोटिफिकेशन को जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। तो कंबाइन करके मैंने इन 8 के 8 यूनिवर्सिटी का अपडेट अपने चैनल के माध्यम से दिया। इसी तरह की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए,
ताकि मैं आपको इसी तरह की अपडेट देती रहूं। तो यहाँ पे जो वॉकिंग इंटरव्यू है वो है गवर्नमेंट कॉलेज, वुमेन कॉलेज संबलपुर उड़ीसा से निकल के आई है वॉकिंग इंटरव्यू। तो जो भी उड़ीसा संबलपुर के नियर हैं आसपास, तो वो अप्लाई कर सकते हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए। ये निकल के आई है एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे डेट दी गई है, टाइमिंग दी गई है, नीचे डिपार्टमेंट दिए हैं। तो मैं स्पेशली अपने चैनल के माध्यम से हिंदी सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर की और पीएचडी अपडेट देती हूँ, जो स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट से निकल के आती है। इसी तरह की अपडेट अगर चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको भी पता है जो हिंदी सब्जेक्ट से पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकल के आती है वो बहुत ही रेयर निकलती है। जब तक पता लगता है टाइमिंग निकल चुकी होती है। तो जैसे कि ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है वॉकिंग इंटरव्यू। अब यहाँ पे हिंदी का देख लीजिए, हिंदी का जो वॉकिंग इंटरव्यू है 4/7/2023, टाइमिंग यहाँ पे दी है 11:30 से 1:30 बजे तक। तो ये तो रह गई पहली कॉलेज से जो निकल के आया है। जो दूसरा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरी जो निकल के आई है वो है संत मीरा कॉलेज फॉर गर्ल्स। तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए ये निकाला गया है एडवर्टीजमेंट। तो जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं अप्लाई करना चाहती हैं 4/7/2023 तक अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे नीचे आपको मेल आईडी दी गई है, इस मेल के थ्रू आपने एप्लीकेशन फॉर्म डालना है। 4 डिपार्टमेंट हैं जिसमें से कॉमर्स 4 सीट हैं, हिंदी में 1, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में 1-1 सीट है। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स होने चाहिए, नेट या स्लेट कर रखा है, पीएचडी डिग्री अगर जिन्होंने कर रखी है पीएचडी या एमफिल रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग, तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पोस्ट है वो अप्रूवल है सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से। तो पूरे महाराष्ट्र से ये निकल के आई है एडवर्टीजमेंट। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह की अपडेट चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो ये न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, आपको इसका वेबसाइट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इसको अगर चाहें तो यहाँ से ही आपको देखना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी तरह की अपडेट चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।